आप लोग केस होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ केस होल्ड करते हैं, बर्ड्स नहीं? ठीक है, एग्स एंड बिस्किट्स, ये इनके बिस्किट्स। सर बेसिकली पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड एक इदारा है जो कि लव बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करता है। तुमको ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल, लेकिन सब रियल है। क्या बात, आप माशाल्लाह फेस देखें, अरे वो क्या बात है भाई, क्या बात है माशाल्लाह, ऐसा देखें क्या बात है, क्या आईज हैं माशाल्लाह यार, क्या प्यारा है माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त यार। ये देखो यार, इसका फेस तो दिखाओ भाई प्लीज़, कितना खूबसूरत है यार ये, अरे ये देखें दिल पसंद का शेड है। या वैसे क्या डिमांड कर रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन की, कुछ आइडिया नहीं है? ये बोल रहे हैं मुझे भी तो दिखाओ भाई, भाई इसकी डिजाइनिंग कैसी की हुई है लोगों ने, क्या बात, वाओ, कोई अंदाजा नहीं है, फिर भी अंदाजा तो बता दो, 15 लाख रुपए। कराची कलर्स वालों, मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर पे। यहाँ पर पेट्स का बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें आपको पेट्स भी मिलेंगे और दूसरा आपको जो है वो कैटल्स से रिलेटेड एलिमेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर जानवर माशाल्लाह कुर्बानी से पहले लोगों का एक दिमाग बनाने के लिए मुख्तलिफ जो कैटल फार्म्स होते हैं उन्होंने जो है इस एग्ज़िबिशन में कराची एक्सपो को सिलेक्ट किया, और कराची एक्सपो में इतना ज़बरदस्त कराची में एग्ज़िबिशन लगा हुआ है। अच्छा, इन्होंने डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फिशीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ये मेरे ख्याल से इस पूरे एग्ज़िबिशन के अंदर जो है ये चीज़ें होंगी। डेल्फा कैटल शो के नाम से एक ये सेशन है मेरे बिल्कुल सामने, और इसके बिल्कुल सामने जो है वो आपके पैरट्स हो गए और दूसरे किस्म के जो जानवर हैं, इधर इसका लगा हुआ है कैटल्स का इस तरफ है, और बाकी दूसरे जो जानवर हैं वो इस तरफ है, इसमें परिंदे हो गए मुख्तलिफ किस्म के, ब्रीड्स हो गए उनके। ठीक है, अच्छा कराची एक्सपो सेंटर में मज़े की बात यह है कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी कराची की आवाम जो है वो भर भर के आना शुरू हो गई है, संडे का दिन है, कल रात में यहाँ पर लाइव सेशन की कोशिश की थी जो कि इम्पॉसिबल हुई क्योंकि इतना क्राउड था कि सिग्नल्स इंटरप्ट हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना हुआ, तो मैं कल कर नहीं पाया। हाउएवर चलते हैं अभी, चूँकि मैं कल आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। रात के वक्त आना यहाँ पर बहुत टेंशन वाला सीन है क्योंकि पार्किंग का बड़ा ज़बरदस्त इशू हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली और मैं यहाँ से एंटर हो गया हूँ, और यहाँ पर जो है भाई ये देखें, चलें वन बाय वन चलते हैं। अच्छा यहाँ पर हैं कौन कौन, दिल पसंद वाले हैं, फजल वाले हैं, मानी वाले हैं, साफी शान, धूम, सचवानी, फ्रांस, सेवन एट सिक्स, गोल्ड स्टार, कैटल फार्म, डेरा कुर्बानी, MNR, मूसा खान, कॉन्टिनेंटल, सूरती, पता नहीं कौन कौन है भाई। ये देखें जी, ये पूरा एक है मेला, बकरा मंडी का, गाय मंडी का। कराची वालों को पता है कि यहाँ पर किस लेवल का रश था,
सैटरडे नाइट यहाँ पर इतना रश था व्यूवर्स के मैं आपको बता नहीं सकता। पाँव रखने की जगह ली थी। जानवर देखें आप, माशाल्लाह फेस देखें। अरे वो तो अटैक कर रहा है मुझ पर, अटैक कर रहा है ये मुझ पर, अटैक कर रहा है। देखा मैं अटैक करते हुए, देखा उसको कितने माशाल्लाह एक्टिव जानवर है माशाल्लाह। हाँ मेरा पर्दा। क्या बात है यार व्यूअर्स, क्या बात है। ये है, ये किसका केबिन है बेसिकली? मैं देखूँ तो यहाँ पर ये तवक्कल कैटल फार्म के जानवर थे, ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह फुल झालर वाला बैल है। और ये ऑस्ट्रेलियन टच पे प्यार भी करने दे रहे हैं भाई। अच्छा रात में जो है ना इतना रश था कि मैं इनको सही तरह कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था, तो जब कैप्चर ही नहीं हो पाएगा आप लोगों को दिखेगा ही नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। राइट नाउ मैं ये कौन सा केबिन है, अलशिफा वालों के केबिन में, इनके शेड में हूँ अलशिफा वालों। अच्छा ये बेबी भी है, टेडी भी है, टेडी का हो कितना प्यारा यार। आई देखो कोहान में कैसे दिखाऊं उनका, ये देखो। और ये छोटा टेडी क्यूट सा। ओहो प्यार भी करवाने दे रहा है भाई, क्या बात है। अशिफा वालों का है भाई, ये भैंसा देखिए क्या बात है, क्या आईज हैं माशाल्लाह, क्या आईज हैं। क्या डिमांड है सर, पूछा आपने इनसे डिमांड, पूछी इनकी डिमांड? वैसे आउट ऑफ डिमांड ही होगी, हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, ठीक बात है। कितना प्यारा है, एक मिनट, सॉरी आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, ये इस्लामी नहीं है, इसका पर्दा नहीं है, उसका पर्दा था, वीडियो बनाने गया तो उसने मारा मुझे। कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है माशाल्लाह, क्या टांगे हैं। व्यूअर्स लूट मची हुई यार, क्या डिमांड कर रहे हैं वैसे इसकी, नहीं पता डिमांड, डिमांड पूछने की हिम्मत नहीं हुई। चले भाई इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, भाई हमारे साथ इसी फार्म का है, ये बोले हमारी हिम्मत भी नहीं हुआ डिमांड पूछने का। चले जी ओ, ये देखे भाई ये किसका फार्म है, ये किस फार्म के जानवर है, कैटल पैराडाइज। ओह क्या बात है, क्या डिमांड कर रहे हैं वैसे इसकी, तो डिमांड नहीं पता, डिमांड पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा सेठ बताएंगे भाई, और सेठ आएंगे शाम में, आने वाले होंगे, बस ये आज आखिरी दिन है। अच्छा देखिए व्यूअर्स, आप जब इनसे कांटेक्ट ले लेंगे, इनका कांटेक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, जो जो थे जिन जिन का मिल सकता है मैं कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनके पास इस किस्म के, इस लेवल के जानवर हैं मौजूद माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार। ये देखो यार इसका फेस तो दिखाओ भाई प्लीज़, कितना खूबसूरत है यार ये। अरे शहजादा है, शहजादा हैं माशाल्लाह, रमजान शरीफ का कार्ड है। हाँ गिराना नहीं भाई, सही बात है। व्यूअर्स बहुत अच्छे अच्छे बैल। अच्छा जी एक और शेड में चलते हैं, यह है सूरती का शेड, ठीक है। कल यहाँ पर सूरती है ना, चलो सूरती के, कल मैंने यहाँ पर इतने अच्छे जानवर देखे वो सारे सोल्ड हो गए और मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया उतना रेस्ट। जाइंट है माशाल्लाह, सही
सॉरी बेटा ये सूरती का है व्यूअर्स, आप इससे फेसबुक पे जाके या वेबसाइट में आप देखेंगे तो इनका आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगी। तो सूरती फार्म इज वेरी फेमस, इन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर इतने मेंशन नहीं किए, अगर कॉन्टेक्ट नंबर इनके होते तो और आसानी होती आप लोगों को ना। अब नाम से आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, जितना मैं दे सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह मिल जाए। ये देखें कितना माशाल्लाह औसम कराची कलर्स। ओहो जॉइंट है, वहां देखो आ जाए जी सूरती के और जानवर देखते हैं। अरे ये कौन सा है भाई, ये इधर भी देख लेते हैं, ये कैटल फार्म्स, कैटल फार्म्स वालों का जानवर है व्यूअर्स। ओहो हाथ भी लगाने दे रहे हैं भाई, हाथ भी लगाने दे रहे हैं, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है इधर। बड़ा जाइंट, बच्चे हाथ लगा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हो। बहुत ह्यूज जाइंट है व्यूअर्स, ये कैटल फार्म वालों का है, ठीक है। कैटल फार्म वालों का, ठीक है। एक ही आराम कर रहे हैं भाई साहब, हाँ जबरदस्त जानवर है व्यूअर, लेकिन मेरा अपना पर्सनल तो ये है कि मैं फार्म की चीज़ें लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेचारे इनको बहुत इंजेक्शंस और इस किस्म की चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो ये सिर्फ शो के हैं, सिर्फ शोबाजी के हैं, ठीक है। इसमें गजाइत का लेवल और ये नुकसान देना होगी बस है। जानवर तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, कुर्बानी के लिए थोड़ा सा लड़ाई भी कर रहे हैं, ये सारी टेढ़ी हैं। ये कौन सी ब्रीड खिलाती है यार, ये चोलिस्तानी, चोलिस्तानी, ओके। वैसे क्या रेट होंगे इनके ब्रदर अंदाजन, क्योंकि आप लोग अभी एक्चुअल तो बता, मुख्तलिफ है, जैसे ये वाली है, ये जो पीस है, ये इसका 25 लाख, 25 लाख मांग रहे हैं। वैसे निगोशिएबल है ना, डिस्काउंट तो हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ बातचीत होगी तो, ठीक है। तो व्यूवर्स 1.5 करोड़ रुपये का जानवर है, 2-2, 4-4 करोड़ रुपये का जानवर है यहाँ पर, 4 करोड़ रुपये का भी एक जानवर मैंने देखा था कल रात में। तो अब हम एक शेड से निकल के दूसरे शेड में जा रहे हैं, वहाँ पर भी वहाँ पर दिल पसंद का जो है ना लगा हुआ था, ठीक है। देखिए मैं आ गया ना इस वाले से बाहर निकला हूँ, और
ये मज़ारियात अल अरेबियंस। अच्छा, इन्होंने कल हॉर्स भी रखे हुए थे यहाँ पर, देखिए अभी साहब पैक किया, क्योंकि तो सुबह का टाइम है, रात के वक्त फिर शायद ओपनिंग हो। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भाई यहाँ पर माहौल था रात के वक्त। सामने फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर भी अच्छे तमाम कराची के मशहूर ब्रांडेड खाने पीने की चीज़ें वाले जो थे वो आए हुए थे। ये देखिए हॉर्स भी है वो पीछे, कल बहुत रश था इधर। वो ना वो हॉर्स है, वो अंदर हॉर्स है ना, पैक किया हुआ है। अच्छा ये देखो, ऊंचे ऊंचे ये देखें, इनके सींगों के साथ कुछ ना कुछ किया हुआ है, लाजमी कुछ ना कुछ किया हुआ है। बहुत प्यार जानवर है मशहूर। क्या छोटी सी काओ, टेडी काओ है ये, चला बहुत अच्छा। ये देखें दिल पसंद का शेड है। कितने प्यारे जानवर हैं माशा, दिल पसंद बहुत काम करता है मुझे। अच्छा, मेरे बिल्कुल सामने सचवानी है, सचवानी गेट में फार्म। वाह भाई वाह, माशाल्लाह क्या ब्लैक है। जबरदस्त भाई, हाँ जाइंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सचवानी वालों ने भी बड़ा जबरदस्त जानवर रखा हो। ओफो ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स, वो देखिए ऑस्ट्रेलियन उससे करीब चलते हैं। जबरदस्त द रियल ऑस्ट्रेलियन जाइंट। या वैसे क्या डिमांड कर रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन की, कुछ आइडिया नहीं है। ये शमसी वालों के जानवर हैं। शमसी कैटल फार्म, व्यूअर्स देखे जानवर देखे। पूरी एक मंडी लगी हुई है, आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, आप लोग आएंगे यहाँ पर तो आपको अंदाजा होगा, या कम से कम आपको जानवर का किस कैटल फार्म के पास कैसा जानवर है ये आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग फिर अप्रोच कर सकते हैं। ये देखें ट्रिपल ए वालों का, देखें जाइंट देखें। ओहो, अरे ये बकरा भी मुझे देख रहा है, ये बोला मुझे दिखाओ। क्या ब्यूटी है यार, ये बोला मुझे भी तो दिखाओ भाई। अरे इसकी डिज़ाइनिंग कैसी की हुई है लोगों ने,
क्या बात है। अच्छा ये आंडू बकरा है लेकिन ये बिल्कुल एबनॉर्मलिटी नहीं दिखा रहा, बिल्कुल रिलैक्स। क्या बात है, फैमिलीज आ ही नहीं है। अच्छा जी, मेमन वालों का है ये, मेमन कैटल फार्म। व्यूअर आपको एक आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह कितने फार्म्स वाले आए हुए हैं, अब कितने कैटल फार्म वाले आए हुए हैं। देखा टीएस वालों को, देखें आप टीएस कैटल फार्म, ये तो अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है। ओके, कितना जबरदस्त जॉइंट है, ऊंचा देखें कितना है। वाओ, माशाल्लाह भाई, मेमन वालों ने भी बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, मेमन वालों ने देखो टेडी टेडी गाय भी रखी हुई है छोटी सी। अच्छा ये कौन सा है, झांगड़ा गोट फार्म। ओके ये है, अभी राइट नाउ व्यूअर्स मैं मेमन में ही हूँ, ठीक है। ये मेमन वालों का ही है, वो कितनी प्यारी, 75 लाख रुपए कह रहे थे, 75 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो है ये वाला 1,20,00,000 रुपए। हाँ बकरे हैं भाई, कितने प्यारे प्यारे गुलाबी बकरे। क्या डिमांड है वैसे बॉस इसकी, डिमांड नहीं लगा रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं है, फिर भी अंदाजा तो बता दो। 15 लाख रुपए, इतना प्यारा है यार, बड़ी मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, ये बकरे नहीं है, ये छोटी गाय है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, यहाँ प्यारे से छोटी गाय, गाय का फेस तो दिखा दो। ये अपने मालिक के साथ ही बैठा हुआ है, क्या करता है आपसे, क्या करता है, आते हैं मोहम्मद इन इब्राहिम गोट फार्म। खासे भी है, ग्रीन कैटल फार्म, चलो आप सामने देखो, ठीक है जी। ये ग्रीन कैटल फार्म के जानवर, चलें व्यूअर्स, आप लोगों को
एक अच्छा बड़ा सेशन करवा दिया है, हम लोग को अच्छा भी लगा होगा। कुर्बानी में तो भी दिन है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर एक सेशन एग्जीबिशन करके एक आइडिया दे दिया है कि किस लेवल के जानवर हैं। माशाल्लाह, ये देखो टेडी बकरे, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या स्टाइल है भाई इसके, दोबारा स्टाइल है। ये कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल की आती है, केडी है, क्या डिमांड कर रहे हैं वैसे इसकी, फिर भी बता दो रेट तो बता दो, एक आइडिया हो जाएगा पब्लिक को, अंदाजन तो बता दो, 4 से 5 लाख का एक पीस। ओके माशाल्लाह, पीस भी अच्छे हैं भाई, अब आप बताएं 5 लाख का तो सिर्फ बकरा है, करोड़ों रुपए की गाय, करोड़ों रुपए के बैल, यहाँ पर बहुत कुछ सोल्ड हो चुका हो, ये तो देखा ही नहीं मैंने। व्यूअर्स क्या चीज है माशाल्लाह, कौन सा फार्म है, हॉरिजॉन। अच्छा कराची के वालों, अभी आपने देखा था कैटल्स का सेशन, अब मैं राइट नाउ आ गया बर्ड सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी भाई काफ़ी सारे लोग आए हुए, अच्छा ये इनके स्पॉन्सर के नाम है, पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी, KTPL, IEEP, फेयर हेल्थ केयर, डेल्फा, बिल्डोम, बचत, काफ़ी सारे लोग हैं भाई। खैर एनीवेज, चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या सीन है। मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत खुशगवार मौसम है, बड़ा अच्छा सीन है। अब देखिए जी, हम एंटर होने जा रहे हैं, देखते हैं सैटरडे यानी कल, कल तो बहुत रास्ता है यहाँ पर, ठीक है भी बस आज क्या पोजिशन है, लेट्स सी ओहो इट्स गोइंग टू एंड राइट नाउ, यस। अच्छा अभी खुलेगा, अभी ओपन नहीं हुआ है व्यूवर्स, अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन होगा, ठीक है। अच्छा इनके पास थे बर्ड्स, और एक ये सेशन इधर शाम में जो लोग आएंगे उनको मिलेगा देखने को, डॉक्टर सैयद, बिल्कुल मिक्स होके लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा भाई, साबिरन मास्टर केज के। आप लोग केस होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ केस होल्ड करते हैं बर्ड्स नहीं, ठीक है। अभी 3100, अच्छा बड़ा केज है, जो लोग लेने वाले हैं उनको अंदाजा होगा कि क्या कॉस्ट होती है इसकी। लेकिन ये भी मास्टर केज वाले हैं, इनकी भी अभी शॉप बंद है क्योंकि अभी ओपन होगा, मैं अर्ली आया हूँ काफ़ी। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चरिस्ट गिल्ड, द ऑर्गेनिक सीड्स, अच्छा पेट्स की सीड्स भी, अच्छा इनकी मुख्तलिफ किस्म की फूड स्टफ है आपके पास सर, ओके। तो जानवर भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते हैं, एग्स एंड बिस्किट्स, ये इनके बिस्किट्स हैं जी, ये इनके बिस्किट्स हैं, ये बेसिकली जब पेरेंट्स बच्चों को दाना भरा रहे होते हैं ना। एक मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे आप, ठीक है। आप यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड, ये क्या चीज है सर। सर बेसिकली पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड एक इदारा है जो कि लव बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करता है, लव बर्ड्स पे काम करता है, लव बर्ड्स पे काम करता है, लव बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करता है। लेकिन बेसिकली हमारे जो इदारे के लोग है ना वो यहाँ आए नहीं है, तो ये स्टॉल मैं लीड कर रहा हूँ। मेरा काम बेसिकली एग्जॉटिक बर्ड्स का है, ग्रे मकाव काकाटू का, हमारे पास बच्चे वगैरह होते हैं। उसके अलावा मेरी एक ये कंपनी है जिसमें हम ये पैरट्स की जो फूड है वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के नट्स भी हैं यार, ये नट्स किस काम आते हैं। सर ये सीड्स हैं, ये एग्जॉटिक पैरट्स के लिए हैं, मकाओ ग्रे काकाटू वगैरह के लिए। अच्छा ये उनके लिए स्पेशलाइज्ड डिजाइन। जी 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 जी,
जो इनको डाइट रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर सारी चीजें शामिल है। यार माशाल्लाह इतनी सारी चीजें, इतनी ज्यादा डाइट की जरूरत होती है। जी 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 बिल्कुल, इतनी डाइट की जरूरत होती है जो जैसे अल्लाह ताला उन्हें देते हैं। बिल्कुल, जैसे ग्रे है, अब ग्रे को जो है फैट रिक्वायर्ड है, काकाटू है उसको प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब इसी तरह है जैसे हम दाना तोतों को खिला देते हैं, लेकिन हम उनको अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखेंगे तो वहाँ पे वो अक्सर तोते दरख्त वो पहाड़ों से कुछ वो जमा कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली ये होते हैं। ये मिनरल्स हैं, ये नेचुरल मिनरल्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो ये आप लोगों ने इतनी रिसर्च की है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में भी लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरी कंपनी 2019 से रजिस्टर्ड है और हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं। क्या बात, पैरेट्स का काम तो हम इससे पहले से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमने जो इनका काम स्टार्ट करा है, पैरेट्स फूड का स्टार्ट करा है, वो हमने 2014 से स्टार्ट कर। अच्छा, आप समझते हैं ये काम बेसिकली ऐसा हॉबी लोग पसंद करते हैं, देखें ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो बेसिकली काम है ये बर्ड्स का काम, वो बर्ड्स फूड का काम, ये काम तो जो है ना ये तो रेगुलर चलता रहता है। लेकिन जो परिंदों का काम है वो लोग ज़्यादातर कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, ये है, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन परिंदों का काम ऐसा है कि अगर आपको राज आ गया तो आपको प्रॉफिट है, वरना नहीं है। मैंने 33 लाख का पिछले साल नुकसान किया है। ओके, ये भी राज आने पे है। ऐसे ही है, मतलब हमारा एग्जॉटिक बर्ड्स का काम है तो मैं आपको अपना नुकसान ना उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। 5-5, 6-6 लाख रुपए के तोते ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन अगर ये आपको राज आ जाता है तो आप अगर आप रिक्शा में घूम रहे हैं तो आप जहाज भी खरीद सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो हमारी फील्ड से वाबस्ता हैं। ओके। जैसे एयर इंडस है, एक एयरलाइन है, उसके जो CEO हैं उनका भी यहाँ पे फार्म है। गोरमे बेकरी है, उसके जनरल मैनेजर हैं, उनका भी फार्म है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पाक एशिया है, उन्होंने वो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। और वाइटल टी वाले हैं, उनका भी फार्म है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। परिंदों का काम जो है फायदेमंद भी है। परिंदों का काम फायदेमंद है, लेकिन ये राज आने पर डिपेंड। लेकिन यार इसके लिए कुछ लर्निंग करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है। लर्निंग करें आप जरूर करें। जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं। अगर हम 2 सीढ़ियों पे जंप मारेंगे, 3 पे जंप मारेंगे गिर जाएंगे। तो वैसे ही है, अगर आपने किसी भी काम को सीखना है तो आप उसमें मिनिमम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरा एग्जॉटिक का काम है तो आप भी एग्जॉटिक में ही है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर आपकी 1000 रुपये की आप सोचते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये ही कर सकते हैं, तो आप फिलहाल बजरी तोते जो हैं आप उनको लेके पहले उस पर रिसर्च करें। अच्छा, बजरी तोते से फिर आप बजरी पे जाएं, फिर उसके बाद आप लवबर्ड पे जाएं, फिर रिंगनेक पे आएं। अगर आपको रिंगनेक की तरफ जाना है तो रिंगनेक की तरफ जाएं, अगर आपको लवबर्ड में म्यूटेशन की तरफ जाना है तो म्यूटेशन की तरफ जाएं। मतलब कोई भी एक फील्ड पकड़ लें, उसी के अंदर जाएं, मल्टीपल डाइवर्जन नहीं जाएं, क्योंकि ये फील्ड भी बहुत बड़ी है, देख रहा हूं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसमें अगर आप लवबर्ड में चले जाएं तो करोड़ों रुपए के लवबर्ड आते हैं। मतलब एक एक पेयर करोड़ों रुपए तक का भी होता है। लवबर्ड्स आते हैं, ये छोटी चिड़िया है। ऐसा ही बात है यार, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज्यादा क्रिटिकल है। यानी इसके लिए भी रिसर्च की जरूरत है, प्रॉपर्ली रिसर्च की जरूरत है। यानी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, घर में अगर एनवायरनमेंट का, तो जी जी बिल्कुल एनवायरनमेंट का आपने ख्याल रखना है। बेसिकली जो तोता होता है उसको देखना पड़ता है कि वो किस एज का है। जैसे अगर पैदा हुआ हुआ बच्चा तो उसको 36 डिग्री रिक्वायर्ड होता है। अगर वो महीने का हो जाता है तो 32 डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर वो महीने से जब कवर्ड हो जाता है तो उसको 30 डिग्री रिक्वायर्ड होता है। तो आपको टेम्परेचर का ख्याल रखना। भाई आप तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे मदद कर सकते हैं। आप जरूर, अपना नंबर शेयर कर दें ताकि आपका नंबर आ जी यार। मेरा नंबर है 0305-2879164। ओके, आपसे रब्ता कर सकते हैं। जरूर दूसरे साथी, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं तो यार आप तो लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जरूर, और आपके पास तो फूड स्टफ भी इतने सारे, तो आप उनको फूड से रिलेटेड भी गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल सर, फूड से रिलेटेड, जैसे मैं आपको फूड से आपको बताऊं, जैसे हमारा बेडिंग पैलेट्स है। अब हमारे एग्जॉटिक बर्ड्स में ना हमारा ये होता था कि हम ना उसके लिए ब्रादा ढूंढ रहे होते थे। ब्रादा में 3-4 दिन में चेंज करना होता था। अब 3-4 दिन में अगर ब्रादा हम चेंज नहीं करते तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते थे। तो हमने ये पैलेट इंट्रोड्यूस करवाए, हमारी बकायदा इसकी फैक्ट्री है। हम बर्निंग पैलेट भी बनाते हैं, बेडिंग पैलेट भी बनाते हैं। ओके, दिखने में दोनों पैलेट सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें 100% वुड होती है और उसमें 28% वुड होती है। और इसको जो है, अगर मैं आपको एक तोते का बताऊं, अगर आप ग्रे का बच्चा इस पे रखते हैं तकरीबन महीना सवा महीना चल जाता है। अच्छा, तो उसके नीचे खास किस्म की पैम्पर करना होता है उसे नीचे। ऐसे ही है, क्या बात है यार, ये चीजें तो ये आप हैमस्टर में भी यूज कर सकते हैं, आप जो है रेप्टाइल्स हैं अगर आपके पास उसमें भी यूज कर सकते हैं, रैबिट में भी यूज कर सकते हैं, घोड़ों के सबल में भी यूज कर सकते हैं। बात है सर, ये हमने पाकिस्तान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह हमारे और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो कंपनी है उसकी खास बात ये है कि हम ना चीप प्राइस में जो है हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे ये है, अब इसकी प्राइस जो हमने रिटेल रखी हुई है वो 250 रुपये रखी हुई है। अब ये 250 रुपये में आपका महीना चल जाता है।
₹250 महीना। हाँ। यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अर्निंग मिल सकती है, ऐसे ही है। आपने कोशिश की, हिम्मत की तो ऐसे ही है। लेकिन ऐसी अंधाधुंध पैसे नहीं लगाने की जरूरत है। अंधाधुंध पैसे ना लगाएं। ठीक। और बेसिकली जो लोग इम्पोर्टेड मेडिसिन की तरफ जा रहे होते हैं उनसे गुजारिश है कि लोकल इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करें और जो हमारी ऑर्गेनिक चीजें हैं वो आप यूज करें। आप रिजल्ट देखें, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप भले जाएं, लेकिन हाँ। आप पहले रिजल्ट तो चेक करें। नहीं, लेकिन लोकल चीजों में भी बहुत रिजल्ट है। जैसे मल्टीविटामिंस लोग ले रहे होते हैं, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के मल्टीविटामिंस लोग लेते हैं, मिनरल्स बाहर से आते हैं, कैल्शियम आते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं, आप उसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। ये हमारी ग्रिट है। अब ये ग्रिट जो है बेसिकली जो आपके अनफर्टिलिटी का इशू हो रहा होता है और अक्सर परिंदे जो है वो बच्चों को गंजा कर देते हैं, तो ये सारे इशू जो है ये उसका हल है। और इसकी प्राइस सिर्फ 150 रुपए और ये आपका तकरीबन जो है ना काफी लंबा टाइम चल जाता है। सर बहुत यूजफुल आपके साथ बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने भाई से मुलाकात की, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा। यहाँ पर भी काफ़ी परिंदे मौजूद हैं। और ये क्या है भाई, बात है ये क्या कर रहा है, ₹12,000 पेयर है। आ जाओ आशिम भाई के साथ। चलें जी, यहाँ पर बर्ड्स का एक सेशन है ऑन, उससे रिलेटेड केस है। एक्सक्यूज मी, बर्ड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी चूँकि खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो आपको शाम तक बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए पैराडाइज बर्ड्स वाले आए हुए, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स रखी हुई हैं। ठीक है जी, ओ ये कौन सी यूनिक बर्ड है भाई, ग्रीन डव, डव देख रहा हूँ, प्यारी डव, ग्रीन डव। चले जी, रैबिट्स के किड्स भी हैं, स्मॉल बेबी किड्स। फंस गया नीचे, ऊंचा कर दिया, वो चला गया। हाँ बेटा, वो देखो रिवर्स, ये फंस गया बेचारा। एक्सक्यूज मी, अरे बेबी कटरल भी है। इस लिज़र्ड को क्या बोलते हैं? लेपर्ड। बेबी टर्टल्स। अच्छा, बेबी टर्टल भी सोल्ड आउट है। ये कितने के दोगे? 4,000 का पेयर है। अच्छा, और ये बीच में जो फिश है ये कौन सी फिश है? फाइटर फिश, ये अकेले रहती है। ये भाई फाइटर फिश भी है इनके पास तो। हाँ, MQR भी है। अच्छा जी, इनके पास भी बर्ड्स हैं। अरे बर्ड्स देखें, बर्ड्स, ये कैसे हैं?
ये कौन से बर्ड्स खिलाते हैं यार? मैं पहले परिंदे ला दूं, ठीक है ना? चलो बहुत क्यों है। चलें जी, यहाँ पर अभी ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग हो रही है व्यूवर्स, और बड़ा अच्छा सेशन रहेगा आज, ठीक है? तो राइट नाउ जब ओपनिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें विजिबल होंगी। ये देखें मुख्तलिफ लोग अपने अपने परिंदों को लेके जा रहे हैं। चलें जी एक सर्कल देख लेते हैं। अच्छा जी, वाह बाबा कबूतर भी है इधर। सारी नयाब नस्ल के वाकई में। वो मैं बता देता हूँ। हाँ मैं फ्री होता हूँ फिर कॉल करता ना आपको, कॉल करता हूँ फ्री होता। हाँ बर्ड्स हैं यहाँ। फिलहाल बहुत अच्छा सेशन रहा व्यूअर्स, आप लोग आए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए भाई, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखिए टर्टल जगह, क्या बात है टर्टल। अच्छा फेस करीब से दिखाता हूँ मैं, अच्छा है मैं एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा सेशन रहा। अरे ये क्या है? इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। व्यूअर्स यहाँ पर आ जाओ, एक्सपो सेंटर आ जाओ भाई आप लोग। देखिए इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं, इतने ज़्यादा पले हुए हैं कि ये अपनी जगह से जो इनकी डेजिग्नेटेड प्लेस है इससे ज़्यादा हट ही नहीं रही। ओके माशाल्लाह, देखिए आपको ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल, लेकिन सब रियल है। क्या बात है, क्या बात है भाई ज़बरदस्त। व्यूअर्स आज का सेशन बहुत ऑसम रहा, मज़ा आ गया। चलें तो अब आप लोग खुद आइए एंजॉय कीजिए। ये देखिए जो मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। चलें इट्स टाइम टू से गुड बाय, नाउ आई एम नाउ साइनिंग आउट फ्रॉम देयर। ओके व्यूअर्स, this is Delpha.